90 रनों पर बाबर आजम ने छोड़ा मैदान, नहीं पूरा किया शतक। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को झटका, फिर हारी टीम। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले पाकिस्तान के लिए खबर अच्छी नहीं आई। टीम को अपने दोनों ही वार्म अप मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में 345 रन बनाकर टीम हारी, जबकि दूसरे मुकाबले में 352 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 337 रन पर पहुंच सकी। इस मैच में पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम का फैसला टीम पर भारी पड़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वर्ल्ड कप अभियान से पहले वार्म अप मैच हार लेकर आए। टीम को 2 मैचों में से 1 में भी जीत नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को गेंदबाजों ने निराश किया। कंगारू टीम ने गेंदबाजी आक्रमण को जमकर धोया और 7 विकेट पर 351 रन बना डाले। टीम के स्टार शाहीन शाह अफरीदी को एक भी विकेट नहीं मिला और हारिस राउफ को 10 से ज्यादा की इकनोमी से रन पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 352 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुश्किल से उभर कर अच्छी पोजीशन में पहुंच चुकी थी। 83 रनों पर 4 विकेट के स्कोर से टीम को कप्तान बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद ने 227 रन तक पहुंचा दिया था। 59 गेंद पर बाबर आजम ने 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 90 रन ठोक डाले थे और इफ्तिकार 83 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन बाबर आजम ने शतक पूरा न करते हुए रिटायर आउट होने का फैसला किया। कप्तान बाबर आजम शानदार लय में नजर आ रहे थे और टीम को 4 शुरुआती झटके लगने के बाद संभाला। 152 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। अपने शतक से महज 10 रन दूर बाबर आजम ने मैदान छोड़ने का फैसला किया। अगर वो अपनी सेंचुरी पूरी करते और बल्लेबाजी जारी रखते तो मैच का नतीजा भी बदल सकता था।